नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डाइस को देखेंगे। और डाइस दोस्तों, डाइस से एक एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं रेलवे के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट के एग्जाम के लिए। तो ये अच्छा टॉपिक है दोस्तों, तो इस टॉपिक को आप लोग अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए डाइस को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम बात करें तो डाइस दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। पहला डाइस है सामान्य पासा, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्डिनरी डाइस, और दूसरा जो डाइस होता है मानक पासा, मतलब स्टैंडर्ड डाइस होता है। तो ये जो है पहला टाइप का डाइस है और ये जो है दूसरा टाइप का यहाँ डाइस आपको देखने को मिलेगा। तो पहला जो डाइस है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई भी अगर किसी भी एक फेस का, जैसे यहाँ पे इस फेस और इस फेस को ऐड कीजिएगा तो 5 + 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर 7 बन जाएगा कोई भी एक दो फेस का सम अगर 7 आता है तो वैसे डाइस को हम कहते हैं ऑर्डिनरी, मतलब साधारण पासा बोलते हैं। और जहां पे आपके अगर यहाँ पे देखेंगे तो 5 + 1 क्या होता है, 6 होता है, तो ये 7 के इक्वल नहीं आया, ठीक है। उसके बाद अगर 5 + 4 देखेंगे तो ये 9 आ जाता है, ये भी 7 के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे पासे को हम पासा को बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस है। अब इसमें क्या होता है कि अगर हमसे पूछा गया कि 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट क्या होगा जो यहाँ पे नहीं है, तो 1 नहीं है, 4 नहीं है और 6 नहीं है। तो 2 के अपोजिट है 1, 4, 6 होगा, 5 के अपोजिट 1, 4, 6 होगा, 3 के अपोजिट 1, 4, 6 होगा। यहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इसके अपोजिट क्या होगा, बट यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। अगर पूछा कि 5 के अपोजिट क्या होगा तो 7 में से 5 को घटा देंगे, 5 के अपोजिट आपका क्या आ जाएगा, 2 है, ठीक है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, जिसके भी अपोजिट आपको निकालना है उतना घटा दीजिए। पूछेगा 1 के अपोजिट क्या है, तो 7 में से 1 को घटा दीजिए, आपका 6 आ जाएगा। तो 7 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं डाइस के क्वेश्चन, मतलब डाइस के पूछा जाता है ना कि इस फलक के अपोजिट कौन सा फलक होगा, तो क्वेश्चन उस तरह के क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दो टाइप के डाइस होते हैं, एक साधारण होता है, एक ऑर्डिनरी होता है, दूसरा क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस होता है, ठीक है। तो इतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट था, तो इस चीज को हम हटा देते हैं। अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब पहला क्वेश्चन में आपके पास सामने डाइस बना हुआ है, तो पूछा गया कि दिए गए पासे में 6 के विपरीत सतह में कौन सा अंक होगा। अब 6 के अपोजिट पूछा है, ठीक है। तो ये कैसा डाइस है, ये आपका डाइस है स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए 1 + 2 कीजिएगा तो 3 आएगा, 7 नहीं आना चाहिए। उसके बाद 2 + 3 कीजिएगा तो ये कितना आएगा, 5 आएगा, अभी भी 7 नहीं आया। उसके बाद अगर हम 1 + 3 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो किसी भी तरह से आप ऐड कर लीजिएगा, 7 के इक्वल नहीं आएगा। तो ऐसे डाइस में अपोजिट आप निकाल सकते हैं। अब 6 के विपरीत कौन सा सतह होगा, तो आपको क्या करना है, 7 में से 6 को घटा लीजिए, आपका 1 हो जाएगा, मतलब 6 के अपोजिट क्या है, 1 होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा ना, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे क्या पूछा गया है, दिए गए पासा में 3 के विपरीत कौन सा सतह होगा। अब पूछा गया कि 3 के अपोजिट कौन सा सतह होगा, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो एक दो फेस को हम ऐड करते हैं 4 और 3 वाले फेस को, तो ये 7 आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑर्डिनरी डाइस हो गया। कैसा हो गया, ऑर्डिनरी डाइस हो गया। अब ऑर्डिनरी डाइस हो गया तो 3 के अपोजिट पूछा है, तो इस फेस में, मतलब इस डाइस के फेस में, तीनों फेस में जो अंक नहीं है वही आपका आंसर होगा। तो 1 नहीं है, 5 नहीं है और 6 नहीं है, तो यही आपका आंसर होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नंबर ए में यही दिया गया है, ठीक है, या फिर कैन नॉट डिटरमाइन, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो सकता है। चलिए आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 में कि दिए गए पासे में 5 के विपरीत सतह में कौन सा अंक आएगा। 5 के विपरीत सतह में कौन सा अंक आएगा, तो ये कैसा डाइस है, 1 + 6 कीजिएगा तो ऑर्डिनरी डाइस का पता चल जाएगा, क्योंकि एक फेस में 7 आ रहा है। तो 5 के अपोजिट क्या होगा, तय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिया गया है, मतलब जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिया गया था। तो 5 के अपोजिट या तो 2 होगा, नहीं तो 3 होगा, नहीं तो 4 होगा, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है 5 के अपोजिट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए, तो दो टाइप के क्वेश्चन देख लिए अभी हम लोग दोस्तों, अब देखते हैं टाइप 3। और यहाँ पासा का स्थिति देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा 6 और 4, ठीक है, जो 6 और 4 है वो अलग अलग अंक है, ठीक है। और जो मैं इस पासे को पहले बना के दिखाता हूँ आपको, ये पासा मैंने बना लिया ऐसे करके, ठीक है, ये पासा मैं बना लेता हूँ ऐसे करके, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा,
अब यहां देखिएगा, 6 लिखा गया, यहां 4 लिखा गया है, ठीक है, यहां पे 3 लिखा गया है, यहां पे 5 लिखा गया है, और यहां पे कितना लिखा गया है, 2 लिखा गया है, यहां भी 2 लिखा गया है। अब ये देखिएगा सेम अंक है ऊपर वाले फेस में, तो ये तो हो गया सेम इस कंडीशन में, ठीक है, ऐसे में सेम हो गया। तो 6 के अपोजिट अगर देखेंगे तो 3 हो जाएगा, ये फ्रंट सामने वाला फेस है तो 3 हो जाएगा, और 4 के अपोजिट अगर आप देखेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, अपोजिट आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसको अभी हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा। अब जैसे ये यहाँ पे क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, पूछा गया है आपसे 6 के अपोजिट कौन सा होगा, तो 6 के अपोजिट आपसे पूछा गया तो 3 हो जाएगा, 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला फेस क्या है, सेम है, दोनों फेस में क्या है, 2 है, और ये किस जो भी टाइप का डाइस होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा 3 के अपोजिट क्या होगा। अब यहाँ देखिए डाइस आपका चेंज हो गया, तो एक आपको तरीका भी बताऊंगा, गोल्डन रूल, उससे आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो 2 डाइस सबसे पहले हम लोग को बनाना होगा, तो 2 डाइस हमने बना लिया यहाँ पे ऐसे करके, 2 डाइस हमने क्या किया, बना लिया, ठीक है, ऐसे करके 2 डाइस हमने क्या किया, बना लिया। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा गया 6 4 2, ऐसे लिखा गया है, तो उसके बाद यहाँ लिखा गया 5 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे 2 डाइस हमने बना लिया। अब यहाँ देखेंगे कि 3 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट हम लोग को खोजना है, तो यहाँ पे वैसा पिछले क्वेश्चन जैसा कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो एक आपको तरीका बताता हूँ कि यहाँ पे कॉमन खोजना है, 2 यहाँ पे है और यहाँ पे 2 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो दोनों डाइस में कॉमन क्या है, 2, तो 2 को हमने लिख लिया। अब या तो क्लॉकवाइज चलिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलिए, तो हम चलते हैं जो भी है ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा 6, 2 4 6, उसके बाद ऐसे लिखेंगे 3, उसके बाद लिखेंगे 2, उसके बाद लिखेंगे 5। अब नहीं सॉरी, 3 क्यों लिखेंगे, 2 से शुरू करना है ना, तो 2, उसके बाद 5 है, उसके बाद 3 है, तो इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे आप निकाल सकते हैं कि 3 के अपोजिट क्या है, तो 3 के अपोजिट 6 है, 4 के अपोजिट क्या है, तो 4 के अपोजिट 5 है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके, ठीक है। तो पांचवा क्वेश्चन दोस्तों हमने बना लिया, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अभी हम हटा देते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन आपके पास 2 डाइस बने हुए हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा गया है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, 5 लिखा गया है, और यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे 5 लिखा गया है शायद, और यहाँ पे क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया है, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया, और यहाँ पे क्या लिखा है, 2 लिखा है, ठीक है, और इस जगह पे क्या लिखा गया है, 4 लिखा गया है, और यहाँ पे 3 ही लिखा गया है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है 5 के अपोजिट, तो सबसे पहले देखिए कॉमन क्या है, सबसे पहले यहाँ पे कॉमन 2 है, और इस फेस में 2 कॉमन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 2 के हिसाब से मूव करते हैं, तो 2 4 और 5, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा, 3 और 4। अब आपसे क्या पूछा गया, अब आपसे पूछा गया कि 5 के अपोजिट, 5 के अपोजिट तो गलत हो गया, 4 आ गया। तो यहाँ पे एक चीज मैंने गौर नहीं किया, एक चीज क्या मैंने गौर नहीं किया, कि यहाँ पे 2 भी कॉमन है, यहाँ पे 4 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, केवल एक ऊपर 5 है और यहाँ पे 3 है, तो एक ही जो फेस है वो अलग है, तो 5 के अपोजिट सिंपल आप देख के बता सकते हैं कि 3 होगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है कि 3 फेस में से 2 फेस कॉमन है, तो एक फेस बच गया तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने बना लिया, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए पासे में 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ठीक है, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो पासा हम बनाते हैं, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं पासा, या पासा आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ देखिएगा 5 के अपोजिट कौन सा अंक होगा, तो इसमें कोई भी कॉमन है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो 5 के अपोजिट पूछा गया है, तो अगले पासा का क्या हो जाएगा, जब ऐसा कोई कॉमन नहीं होगा, तो अगले पासा का जो भी अंक है 1 2 और 6, इन तीनों में से कोई एक होगा, तो ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर डी, आप देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तय नहीं किया जा सकता है कि कौन सा अपोजिट में आएगा एक्जेक्टली, ठीक है। अब देखिएगा, नीचे दिए गए पासे में रंग पीला के विपरीत अपोजिट कौन सा होगा। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले देखिए कॉमन क्या है, कॉमन देखिएगा पीला, ग्रीन, सफेद, सफेद कॉमन है, ठीक है, सफेद कॉमन है। अगर आप देखें ना, तो तुरंत आप आंसर निकाल सकते हैं
क्योंकि सफेद एक फेस पे पीला के अपोजिट क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, येलो के अपोजिट क्या हो जाएगा, सामने सामने आप देखिएगा दोनों ऊपर फेस में है, दोनों ऊपर साइड लिखे गए तो रेड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सफेद जो है दोनों पासा में एक फेस पे ही है, मतलब कोने वाले साइड में सफेद लिखा गया है, ठीक है। तो ये पहला टाइप हो गया जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, रेड हो जाएगा, ठीक है, देख के ही आप बना पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आगे लिखिएगा, जहां आपको दिक्कत होगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव कीजिएगा, अपने आप आपका आंसर आएगा, बट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्या, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पीला लाल हरा काला, ठीक है। आगे देखिए, दिए गए पासे में स्टार के विपरीत कौन सा फलक आएगा। अब देखिए इन दोनों पासे में कॉमन क्या है, इन दोनों पासे में एट द रेट कॉमन है, एट द रेट के हिसाब से आप मूव कीजिए। तो एट द रेट के बाद स्टार आएगा, तो स्टार को लिख लेते हैं, उसके बाद स्टार के बाद क्या आएगा, हैश आएगा, तो हैश को हमने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे एट द रेट से हम मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज जैसे मूव किए थे, तो उसके बाद डॉलर लिखेंगे, डॉलर के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये कुछ ये एरो का साइन है, ठीक है, तो इस तरह से लिख लिए। तो हम लोग को पूछा कि स्टार के सामने कौन सा आएगा, तो डॉलर आएगा। आप देख सकते हैं हमने क्लॉकवाइज मूव किया, जो मैंने आप लोग को बताया था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। किसको कॉमन किया, एट द रेट से हमने मूव किया दोनों पासे में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जो भी चीज है उसको लिख दिया, तो हम लोग का आंसर आ गया क्या, स्टार का मतलब क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टार का मतलब क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, नीचे दिए गए पासे में ए के अपोजिट क्या होगा। अब देखिए जो पहला पासा है और दूसरा पासा है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे तय नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे दिए गए पासे में 5 के सामने वाला फलक कौन होगा। 5 के सामने वाला फलक आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मूव कीजिएगा, तीन बिंदु है मतलब तीन लिखा गया, तीन के हिसाब से मूव कर जाइए, क्योंकि तीन दोनों में कॉमन है, तो तीन हो गया, ठीक है। तीन के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 1 आएगा, तो ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद 3, 3 के बाद 4 है, ठीक है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 2 है। तो अब हम लोग को देखना है कि 5 के सामने कौन है, तो 5 के सामने 4 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 के सामने 4। तो देख सकते हैं कितने आसानी से हम इस क्वेश्चन को बना पा रहे हैं, तो हमने बना लिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब एक पासा का 2 से अधिक के रूप में दर्शाया जाए, तो इस चीज को देखिएगा, यहाँ पे मैं ट्रिक आप लोगों को समझाऊंगा। अब यहाँ देखिए 3 पासा हो गया, अब 3 पासा को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो तीनों पासा को मुझे बनाना होगा, ठीक है। ये पहला पासा हो जाएगा, ये पहला पासा, ये दूसरा पासा, उसके बाद ये तीसरा पासा, 5, 1, 4, 6, 1, 5, उसके बाद 2, 1, 3। अब देखिएगा ध्यान से, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट हम लोग को देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 कॉमन है, ठीक है, और यहाँ पे 2 है जहां पे 1 कॉमन है, ये तो हम डायरेक्टली देख के भी बता सकते हैं अब, क्योंकि 1 उसी फेस पे कॉमन है जहां पे यहाँ देख रहे हैं आप, ठीक है। हमें 2 वाला खोजना है कि 2 कहाँ पे है, तो 2 पहले में नहीं मिला, 2 दूसरे में नहीं मिला, 2 तीसरे में मिल गया, तो एक तीसरा पासा को लेंगे और एक पहला पासा को लेंगे, क्योंकि अगले नंबर को कॉमन देखेंगे तो 1 दोनों के पास से दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 12 भी हम देख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग देख के मुझे बताइए, ठीक है। यहाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं भी मूव कीजिएगा, तो डायरेक्ट आप लोग देख के बता सकते हैं कि 5 के अपोजिट क्या होगा, 2 होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से बनाया। अगर इसको अगर आप कॉमन ले लेते तो यहाँ तो 2 है ही नहीं, तो हम कंपेयर भी नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो इस पासे को नहीं लेंगे, ये एक्स्ट्रा दिया हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, 13 को देखते हैं, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिए गए 4 के विपरीत आपको बताना है, तो पहले में 4 है और किसमें 4 है, पहले में 4 है और पहला और दूसरा को ले लीजिए। क्यों पहला और दूसरा को मैं लेने के लिए कह रहा हूं उसको देखिएगा, हम चारों पासा को नहीं बनाएंगे, हम केवल पहला और दूसरा को बनाएंगे, क्योंकि उन्हीं दोनों का काम है। यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पे 1 लिखा गया, यहाँ 6 लिखा गया, यहाँ 4 लिखा गया है, यहाँ पे 3 लिखा गया, यहाँ 6 लिखा गया, यहाँ 5 लिखा गया है, ठीक है। इस तरह से हमने लिख लिया,
अब हम लोग देखेंगे कि कॉमन क्या है और क्या नंबर चाहिए। तो चार खोजना था तो चार पहले पासे में हम लोग को मिल गया, ठीक है। अब दूसरा पासा लेना है जिसे कंपेयर करके हमको आंसर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि चार के अलावा कोई और अंक है जो कॉमन है, तो छह, छह कॉमन यहां भी है, छह कॉमन यहां भी है। अब छह के हिसाब से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो इस तरह से घूम जाइए दोनों पासे में, ठीक है। तो छह चार एक, और यहां से मूव कीजिएगा तो छह तीन पांच, तो चार के अपोजिट क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। तो देखिएगा ऑप्शन में दिया गया है तीन, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा कि दिए गए पासे में स्टार के अपोजिट क्या होगा, आपको क्या बताना है, स्टार के अपोजिट बताना है। तो स्टार के अपोजिट क्या होगा, ये चीज आपको बताना है यहाँ पे। तो देखिएगा स्टार आपको खोज रहा है कि कौन सा पासे में मिलेगा, तो अंतिम वाले पासे में आपको स्टार मिल जाएगा। अब अंतिम वाले पासे में कौन कौन सा एक्स्ट्रा साइन है, तो प्लस और ट्रायंगल है, तो प्लस और ट्रायंगल इसके पास भी है, पहले पासे के पास भी, देखिएगा फर्स्ट वाले के पास भी प्लस और ट्रायंगल है, और प्लस और ट्रायंगल लास्ट वाले पासे के पास भी है, बट स्टार और भागा अकेले बच जाते हैं, तो स्टार के अपोजिट क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो इसमें आपको रफ भी नहीं करना होगा, केवल देखेंगे और बना सकते हैं। तो भागा मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे आगे देखिएगा, दिए गए पासे में आर के अपोजिट कौन सा है, तो आर खोजना है कि कहां पे है, तो आर कहां पे है, आर आपका दूसरे पासे में है, और पहले पासे में भी देख सकते हैं, पहले पासे में कॉमन क्या है, दोनों पहला और दूसरा पासा लीजिए, तो पहला पासा का ऊपरी फेस देखिएगा पी लिखा हुआ है, दोनों पासे में आपको ऊपरी फेस में पी देखने को मिलेगा, और बी का अपोजिट आपको पता चल गया वाई, आर का अपोजिट इस तरह से पता चल गया आई होगा, ठीक है। सामने सामने कंपेयर कर लेंगे, कोई दो पासा को आपको लेके कंपेयर करना होता है, चारों पासा नहीं चाहिए, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे दोस्तों क्वेश्चन खत्म हो गए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों डाइस के, वो हमने सॉल्व कर लिया, तो आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। और यहाँ से सिर्फ रेलवे ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट एनटीपीसी में कम चांस है, टेक्निकल एग्जाम होगा तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे डाइस से, ठीक है ना। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।